गुड मॉर्निंग। सो अहमदाबाद सुबह के 5:30 बज रहे हैं। 5:30 क्या, ऑलमोस्ट 6 बज गए। मैं नहा वहाँ के एकदम मस्त फ्रेश हूँ। सो अभी जो है गाड़ी पीछे रहेंगे, सामान लोड करेंगे और हम लोग निकलेंगे आज मुंबई के लिए। सामान वापस से काफ़ी है, जैसा आप लोगों ने देखा था आते समय। गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, उसको ऊपर से एक्चुअली साफ़ करना पड़ेगा। गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, तो ये जो है उसको साफ़ करेंगे और ऊपर बैग रखेंगे, सामान रखेंगे। मुझे लगता है टोटल 1 घंटा लगेगा सब करने में, निकलने में, क्योंकि साथ में बच्चे हैं, और उसके बाद निकलेंगे। चलिए, लकीली वो वॉशिंग वाले भैया मिल गए, उनको रिक्वेस्ट किया कि अगर वो गाड़ी पे थोड़ा हाथ मार दें, क्योंकि वो सब बर्ड ड्रॉपिंग्स है और 2 दिन से गाड़ी धुली नहीं है, तो अगर वो एक हाथ मार देंगे तो गाड़ी जो है चमक जाएगी। बेसिकली छत पे सामान मुझे रखना है, वो लगेज वाला बैग तो है बहुत गंदा, और वो बैग से क्या होगा कि अनवांटेड स्क्रैचेस आएंगे, तो देखते हैं। अगर बच जाता है तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो भैया जो है चढ़ के ऊपर गाड़ी साफ़ कर रहे हैं। सुबह के बज गए हैं 7:30, थोड़ा टाइम लग गया जो है लगेज लोड करने में, बट मैं कैमरा फ्लिप करता हूँ। हाँ, सही लोड हो गया है, सही दिख रहा है। थोड़ा सा एक साइड से ऊपर है, बट आई डोंट थिंक उससे कुछ इशू होगा। ये ऐसा है, इस बार जो है मैंने उल्टा बैग लगाया है, नॉन वेलक्रो वाला पार्ट जो है वो पीछे है, जिप दोनों जो है आगे क्लोज हो रही है, तो आई होप इस बार जो है वो फड़फड़ाएगा नहीं। हाँ, इसमें क्या है कि वो दोनों कॉर्नर पे एक इधर वेलक्रो है, एक इधर वेलक्रो है, वैसे वो कुछ ज़्यादा हेल्प तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी। तो लेट्स सी, बच्चे लोग नीचे आ रहे हैं और वो लोग जैसे ही आएंगे हम लोग जो है निकल लेंगे, तो चलिए। किलोमीटर्स हो गए, 9:20 हो रहे हैं, हम लोगों को निकलते हुए बहुत लेट हो गया। सो ये एक्सप्रेसवे क्रॉस करेंगे और फिर कहीं रुकेंगे चाय के लिए। एक 10,000 का मार्क पूरा हुआ तो सोचा दिखाते हैं, एक बड़ा माइलस्टोन है। सो अच्छा लग रहा है। हेलो, सो हम लोग वापस से है होटल फूड स्पॉट। अ
बच्चे लोग फुल धमाका कर रहे हैं, बहुत देर से इधर झूले वगैरह पे खेल रहे हैं। इन लोगों का जब भी खेलना हो रहा है तब तक मैं जो है फुटेज डाउनलोड कर रहा था। यहाँ पे फुटेज डाउनलोड हो रही है अपने कैमरे से, एक भी दिन डाउनलोड नहीं कर पाया। और यह है घर का बना हुआ चीज़ चटनी सैंडविच, कुछ वेफर्स और ये है चाय। सो चाय में थोड़ी डुबो के खाएंगे। ये बच्चे लोग टाइम पास कर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे रुके हुए हम लोगों को 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। अभी आई थिंक आधा पौना घंटा और, आधा घंटा तो और जाएगा, 4-5 क्लिप्स और है, बाकी की सारी तो ओवरराइट हो गई। मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी वाली जो है थोड़ी सी डाउनलोड कर लूँ, वरना वो भी ओवरराइट हो जाएगी। शादी के उसमें जो है टाइम ही नहीं मिला कि कुछ गाड़ी में बैठ के कुछ फुटेज डाउनलोड कर लूँ। लगेज बराबर लग रहा है बंधा हुआ, सही है, सही चल रहा है। इस बार काफ़ी लेट हो गया हम लोगों को, इस वक्त बज रहे 12:12 बजने वाले हैं, अभी आधा घंटा और लगेगा। इसके पहले हम लोग गिरनार में भी रुके थे, लेकिन वो क्लोज्ड एरिया था, एसी था, तो उसमें बच्चों को मज़ा नहीं आता। तो वहाँ गए 2 मिनट के लिए और तुरंत निकल आए वहाँ से। मैंने कहा नहीं, वापस इसी जगह रुकते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को मज़ा आ रही है खेलने में, और 2-4 क्लिप्स और डाउनलोड करेंगे और फिर निकलेंगे। चलिए सिया। No, 320 किलोमीटर हो गए, 180 किलोमीटर बाकी है। अभी हम लोग ये शुगर एंड स्पाइस का चेन जॉइंट है, उससे कनेक्टिंग है ये एरिया, जिसमें है पेट्रोल पंप और इधर है बर्गर किंग और हल्दीराम। वॉशरूम भी है इधर, वॉशरूम सरप्राइजिंगली क्लीन है। बर्गर किंग का ड्राइव थ्रू है, नहीं तो अंदर वहाँ से भी आपको मिल सकता है। मैं आपको अभी अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसा है, बट ये एक अच्छी जगह है ब्रेक लेने के लिए। 200 किलोमीटर और बाकी है, 180 किलोमीटर एक्चुअली, सो मे बी 2-2.5 घंटे डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। इधर ब्रेक लेंगे, कुछ खाएंगे लंच टाइप। कितना बज गया, व्हाट्स द टाइम? 2:45 हो गया है। तो अंदर का दिखाता हूँ आपको कैसा है। तो डिसेंट जॉइंट, स्पेशली अगर गर्मी में आ रहे हैं तो यहाँ अच्छा खासा रुकने लायक है। खाने पीने का ऑप्शन है, बढ़िया एसी है और बहुत बड़ा सा शॉपिंग मॉल है अंदर। दिखाता हूँ आपको, ये गाड़ी खड़ी है, थोड़ा सा वो उसका एज जो है फ्लटर कर रहा है, उसका कुछ जुगाड़ सोचना पड़ेगा अगर मिला तो, अदरवाइज सब सही है। ये हल्दीराम का है काउंटर, सरप्राइज। हल्दीराम का प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, लाइव काउंटर भी है, यू कैन ऑर्डर। वाह वाह, ये और ये दोनों तो मैं खाने वाला हूँ। जरा भटूरे का साइज देख लो, और जो मैं शॉपिंग मॉल की बात कर रहा था वो देखिए उस तरफ है।
देख रहे हैं। शादी में बहुत मसाला खाया, अभी थोड़ा बर्गर वगैरह खाते हैं फॉर अ चेंज। बहुत ही मस्त है, फ्रेश, बहुत हल्का स्वीट बट फ्लेवर्स भरपूर मस्त। शाम हो गई है एक्चुअली, 6:40 हो रहा है और हम लोग पहुँचे हैं फूड हब। फूड हब एक चाय वाय पियेंगे, थोड़ा लू ब्रेक लेंगे और फिर होपफुली नेक्स्ट 1 आवर में होम। महाराष्ट्र चेक पोस्ट था, वहाँ पे भयानक ट्रैफिक था जिसकी वजह से बहुत टाइम लग गया क्रॉस करने में। हम लोग अराउंड 2.5 घंटे गाड़ी चलाया वाइफ ने, जो हम लोग बर्गर किंग वाले स्टॉप पर रुके थे 3 बजे, वहाँ से यहाँ तक अभी बज गए हैं 6:46। तो यहाँ कुछ कॉफ़ी पियेंगे और नेक्स्ट स्टॉप होम। सामान भी बहुत है तो ज़्यादा ऑफ रोड ले नहीं सक रहे थे, सड़क से उतार नहीं पा रहे थे गाड़ी, पर ठीक है चलता है, ट्रैफिक व्राफिक सब पार्ट है यार जर्नी का। सड़क के बहुत आगे आ गया है, इसको अभी यहाँ पे है, इसको जब बांधा था तो इसका ये एज यहाँ पे था और ये जो लाइन थी ये ऐसे जा रही थी। तो खैर घर पहुँच गए हैं, मैं अभी आपको बाकी सारी डिटेल्स जो है थोड़ी देर बाद बताऊँगा, अभी सामान ऊपर लेते हैं और कितने किलोमीटर्स हुआ, क्या माइलेज दिया, कितना टोल लगा, ये सब मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट करूँगा। सो अभी ये सारा सामान, इतना सामान हम लोग जो है लेके आए हैं गाड़ी में, इसके अलावा भी और सामान है जो हम सब लोग, अभी एकाध आई थिंक बैग्स है जो ओपन हो गई है, उसमें से सारा सामान निकाल लिया है, बट मोस्टली ये सामान प्लस जो डोर में और गाड़ी के अंदर जो ऑलरेडी सामान पड़ा रहता है वो अलग है। तो ये इतना सामान का टोटल वेट है 110 किलो, जिसमें से जो हम लोगों ने छत पे सामान रखा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 बैग्स जो गाड़ी के छत पे थे उनका वेट है 49.6, मतलब समझ लो 50 किलो, क्योंकि 2-3 किलो का तो ये जो बैग है वही होगा। तो 50 किलो था छत के ऊपर और लगभग 60 से 70 किलो था गाड़ी के अंदर, जो कि हम लोग अभी पानी की बॉटल और बाकी सारे स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स वो सब तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं, सबके बैकपैक्स वो सब तो काउंट ही नहीं कर रहे,
ये जो हम लोगों ने वेट किया है 60 kg, उसमें ये सब का वज़न नहीं रखा है, ये काउंट नहीं किया, ये काउंट नहीं किया है, और ऊपर जितना भी रखा हुआ है वो सब काउंट नहीं किया। प्लस एक्स्ट्रा एक दो बैग है जो भी गाड़ी में ही पड़े हैं छुट पुट, वो सब का काउंट नहीं है। हेलो, तो अच्छी ट्रिप हो गई अपनी कल। तो रात को बहुत थक गए थे, अभी मैं आया हूँ सीट लगाने। एक्चुअली आपको माइलेज दिखाता हूँ। ट्रिप मीटर मैंने 0 किया था, अगर आपको याद हो स्टार्ट में, तो 1502 किलोमीटर टोटल ट्रिप रनिंग हुई है, जिसमें मिस हो गया 18.7 का ओवरऑल माइलेज उतरा है। 18.7 इसके लिए क्योंकि रिटर्न में बहुत ट्रैफिक मिला, और मोस्टली पूरे दिन रिटर्न में ये 19 के ऊपर ही हवर कर रहा था, माइलेज 20 तक पहुंचा ही नहीं। और जब ही रिटर्न हो रहे थे तो जैसे ही महाराष्ट्र एंटर किए तो रोड थोड़े ख़राब मिले और भयानक ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया वहाँ से, तो इसके लिए माइलेज थोड़ा और लो हो गया। बट अगर देखा जाए तो 18 इज़ नॉट बैड आई गेस, कंपनी ही 18 का आई थिंक क्लेम करती है, तो ठीक है, अच्छा माइलेज मिला है। एंड ये माइलेज जो है ओवरऑल 1500 किलोमीटर का माइलेज है, तो एक्चुअली अगर गेस करें तो क्लोज टू 18 दे रहे, विच इज़ जेन्युइन आई थिंक। 1500 cc इंजन के लिए ठीक है। तो ये था अपना माइलेज, अभी मैं आया हूँ सीट लगाने, सीट लगाऊंगा और ऊपर जाऊंगा। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। तो सब लोग महिंद्रा को गाली देते रहते हैं, ये सीट लगाना देखिए कितना इजी है कि आप अकेले कर सकते हो। ऐसा लगेगा कि इसको होल्ड कैसे करेंगे और ये नट कैसे फिट करेंगे, बट आप देखो कितना स्मार्ट डिज़ाइन बनाया है इन लोगों ने। सॉरी फॉर द नॉइज़, वो पीछे फ्लैट का कुछ काम चल रहा है। ये जो आपको हुक दिख रहा है, ये उसका खाका दिया हुआ है, वो उसमें जाके बैठ जाएगा, तो आपको पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, मेरे दोनों हाथ फ्री हो गए, ये सीट जो है बराबर उसके खाके में जाके बैठ गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ ये नट टाइट कर देना है, दैट्स इट। सो क्रिस क्रॉस करके टाइट करेंगे, पहले चारों को ऑलमोस्ट सेमी टाइट पोजीशन पे ले जाएंगे, फिर एक एक को क्रिस क्रॉस टाइट करेंगे, लाइक 1 2 3 4 टाइट करके काम ख़त्म। चलो।